पकड़ जल्दी दूध को धानक मारा मां पीछे कर देना कुछ है किसके कीड़ी वीड़ी है। सो गाइस ये सम्राट देखो कितना गंदा फंस गया, गिर जाएगा। हमारा चूल्हा बनके तैयार हो चुका है, आप जो देख सकते हो। थैंक यू सो मच चूल्हा बना। चाय छन रही चाय, सोने चाय ठान रही चाय। गाइस चाय हमारी चाय बाबू ज्यादा है की बा ठीक है मैं पी लूंगा। वाह मैं पिला देंगे। ओए मजा आ गया उस तो जानू मजा है ना है? मजा आया। इसको देखो धुआं धुआं घुस गया मैगी बनाते हुए देखो। बाकी यार इसी जगह में एंजॉय करने का बहुत ही मजा आता है ना सोनिया। व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप कि बहुत अच्छे होंगे गाइस। और आज होने वाला है मैगी चैलेंज होने वाला है, बट ऐसा नहीं होने वाला है आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अभी टाइम हो रहा है, अभी 12 बज रही है और अब तक में अपनी रानी जा रही है ये वाली KTM। और मौसम देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है। बाकी बैग के अंदर बहुत सारा सामान वगैरह भर लिया हमने और जो भी खाना पीना होगा वहीं पर बनाएंगे और बढ़िया अच्छे से, मतलब कैंप वगैरह तो अभी खरीदा नहीं हमने। बाकी नॉर्मली बहुत ही मजा आएगा और गाड़ी का अपने कवर ले लिया तो गाड़ी के कवर पर ही बैठेंगे। बाकी गाइस आप लोग कभी और डिमांड करोगे ना तो भैया ये बना के खाओ वहाँ पे जंगल में कैंपिंग करो, तो देखते हैं आज का मतलब पूरा टाइम वहीं जाएगा। बाकी अभी थोड़ी देर में। और गाइस आपने इस व्लॉग को अगर पूरा नहीं देखा ना तो फिर देखा ही क्या यार, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, मतलब चाय वगैरह सब बनाएंगे वहाँ पे जंगल के अंदर जा रहे हैं, डेजर्ट में बोतल वगैरह, बाकी जो भी काम करेंगे चूल्हे पे करेंगे, चूल्हा देसी जुगाड़ लगाएंगे अपना है ना। हाँ बल्कि गैस नहीं लेके जा रहे हम लोग, ताकि अगर हम कभी बाय चांस हम कभी जंगल में फंस जाए तो मतलब रात कैसे निकाले आज सारा आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। और देसी जुगाड़ से चूल्हे वगैरह से सब कुछ बनाएंगे, चाय वगैरह मैगी वगैरह, और आग से जलवाऊंगी, चूल्हा भी इसी से बनवाऊंगी देखना आप। सो मिलते हैं आगे और निकलते हैं यहाँ से, अपनी रानी ये खड़ी है। और बाकी सामने का मौसम देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है आज, अरे कितना प्यारा लग रहा है गाइस देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि आज का जो बैकग्राउंड है ना जो बादल वगैरह हो रखे हैं बहुत सारे तो काफी अच्छा लग रहा है। सो निकलते हैं यहाँ से, शायद हो भी सकता है मौसम का सीजन अब आ चुका है तो बहुत मजा आने वाला है। गाइस आप देख सकते हो वीर सम्राट के आगे का जो मौसम हो रहा है कितना अमेजिंग लग रहा है यार। सो गाइस यार ना एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत सारी है, क्योंकि हम आधे घंटे इसी यहीं पे डेजर्ट में घूम रहे थे। अब जगह लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे शांत जगह एकदम, हम दोनों कोई परेशान करने वाला ना हो, ना कोई कैमल वगैरह ऊंट वाला निकलने वाला ना हो, तो मेरे को लग रहा है अपनी गाड़ी की KTM की हवा कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सो मैं हवा कम कर लेता हूँ अभी है ना, क्योंकि गाड़ी अच्छे से निकलेगी क्योंकि उधर जाना है मेरे को, तो हवा तो कम करनी पड़ेगी। अब यार इसको यार ये ब्रेक बहुत ज्यादा गर्म हो गया यार। नहीं यार हाँ। रेस देते हो ना आप इसमें इसलिए। तो गाइस हवा तो मैंने बहुत ज्यादा कम कर दी है, 30-20% तो कम कर दी होगी, बहुत है इतनी। चलो आगे की कम क्यों कर रहे हो? अरे आगे से ही तो मेन आगे से गोरा खाती गाड़ी इनसे में क्या, अब हवा करने कर देंगे ना गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, गाड़ी ने तो बस काफी है। तो गाइस निकलते हैं आगे यहां से, पीछे से देखते हैं। सो गाइस ये सम्राट देखो कितना गंदा फंस गया, गिर जाएगा। Oh my god. Guys, गांव जाने मैंने गाड़ी कैसे निकाली, मतलब तो पैदल आई बल्कि बंद कर देते इसको। मेरी रानी को कुछ हुआ तो नहीं ना। अच्छा और जो मैं हेल्प कर रही थी रास्ते में से कांटे उठा के पटक रही थी, तुम्हारे भाई की रानी है ये, पानी पी रही है, जिसने गाड़ी निकाली उसको तो पानी पिला नहीं रही है। बाकी यार चेकआउट दिस यार, मतलब इतना प्यारा नजारा। पानी पी लेता हूँ मैं भी, ड्यूटी कर दी गाइस, इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख, अब जल्दी से कुछ ना कुछ बनाते हैं
और अपने पास अच्छा तो कैंप है नहीं, लेकिन जल्दी तुम्हारा भाई कैंप लाएगा और अच्छी कैंपिंग भी करेगा। आप लोग चैलेंज वाली चोर्स आवर्स वाली बहुत सारी बनाएंगे। अभी भूख लग रही है, थोड़ी गाड़ी का देखते हैं। और ये लोकेशन शायद आई थिंक अच्छी लग रही है, देख सकते हो आप लोग, ये थोड़ी साफ सुथरी भी है, सोनिया भी अच्छी लग रही है गाड़ी के साथ में। और ये लोकेशन हम गाड़ी को यहाँ पर खड़ी कर देंगे, यहाँ पे पत्थर वत्थर ढूंढ के लाएंगे, लकड़ियाँ वगैरह ढूंढ के लाऊंगा मैं, है ना। तो भाटा ले आओ ना बाबू, भाटा ले आओ सामने, उधर से। गाइस जैसे जैसे टाइम निकल जा रहा है ना, जैसे सोनिया की धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि कब अंधेरा हो जाए पता ही नहीं, क्योंकि टाइम ऐसे निकला जा रहा है धीरे धीरे, पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि अभी हम मेरे को जाना लकड़ियाँ ढूंढने, सोनिया बोलेगी मैं आप सामान का ध्यान रखूंगी, तो आप लकड़ियाँ ढूंढने जाओ, तो मेरे को लकड़ियाँ ढूंढने जाना पड़ेगा सामान ले गए तो। और रही बात की मुझे पत्थर भी ढूंढने पड़ेंगे जिससे चूल्हा बनाना है, चूल्हे पे अपनी चाय बनेगी, फल फ्रूट है। बाबू फल फ्रूट तो खिलाया नहीं तूने, अभी सब खिलाऊंगी, पहले चूल्हा बनाना। यहाँ पे तू जितने भी काटे वाटे सारे उठा देना, ठीक है ना, ताकि अपन बैठेंगे ना तो चुभेंगे नहीं अपने, पहले वो झाड़ू का, वरना चूल्हा के इंजेक्शन लग जाओ दोनों के समझ रही है। सो गाइस यार बाकी लोकेशन बहुत ही प्यारी लग रही है, और आप लोग कमेंट करना कैसी लगी जगह, और आप लोग भी आ सकते हो। वैसे ये सावित्री माता के इधर पीछे ही है, बाकी प्यारा मौसम हो रहा है आज बहुत प्यारा। अब मैं तो चला भाई लकड़ियों के लिए ढूंढने, अपना जो जुगाड़ लगाने और अपना गुजारा करने के लिए, पेट पूजा करनी है ना उसके लिए लकड़ियों के लिए ढूंढने जाऊंगा मैं तो। आपको बनाना है, मैं देखो मेरा काम है बस लकड़ियाँ ढूंढना, चूल्हा बना के देना है इसको, ठीक है ना। बाकी ये जाने इसका काम जाने, ठीक है ना। मैं आराम से फोन चलाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बाकी निकलते हैं ऐसे, है ना, ध्यान रखना बाबू, जाओ जल्दी। कल अपनी रानी को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, जय श्री श्याम बाबा, ध्यान रखना हमारी रानी का। बाकी इंजॉय करने का यार, लाइफ इंजॉय करनी है तो ऐसे करो यार, है ना। मुंह कट रहा है अब कट रहा है क्या मुँह? बाकी प्रिया पत्थर ढूंढने के लिए जा रही है, लकड़ियाँ ढूंढने जा रही है जुगाड़ के लिए। सोनिया पत्थर मिल गए सर, ठीक है गाइस, सोनिया को मिल गए, चूल्हा का तो जुगाड़ हो गया। इसको वहाँ छोड़ के ये चाय वाय बनाएगी, जब तक मैं जाऊँगा लकड़ी ढूंढने। और थोड़े दिन की बात है यार, फिर तुम्हारा भाई थार वगैरह लेकर आ जाएगा, तो थार के अंदर सारा सामान भरा निकलो भाई कैंपिंग में, और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे आप लोगों को, मज़ा आएगा काफ़ी। और मैं तो चाहता हूँ यार मैं भी देखूँ, मैं भी घूमूँ, और साथ में साथ आप लोगों को भी दिखाऊँ जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्या। तो बस यही यार, इसलिए डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी अभी। बाकी इसको मिल गया पत्थर, ये रखूँ ना, ये वाला मैं ले आऊंगा। चल तीन बाटे हैं, और भी ले रहा तीन, अब ये दो बाटे जो पड़े हैं ना, तीन हाँ। बाटे तुम लेके आ जाओ, ठीक है मैं ले आऊं, चल तो दे दो एक और मेरे को, नहीं चल मैं आ जाऊं। सो गाइस बाकी है जो मैं ले जाऊं क्या, तो वैसे ही होती है कमजोर है। ओहो तीन बाटे लाया और मैंने चार बाटे लाई हूं गाइस, चूल्हे का जुगाड़, चूल्हे का जुगाड़। चलो रखो, यहां से एक नंबर लग रहा है। तो अभी देखो गाइस, वीर ने ना चूल्हे के लिए खड्डा खोपा है, बल्कि उधर जब हम बना रहे थे तो वीर ने कहा कि यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ ज्यादा बेस्ट लगेगा, यहाँ पे छाया है थोड़ी सी गाड़ी। हाँ बस काफी है, बना दो यार, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसने चूल्हे के लिए खड्डा बनाया है, जल्दी से करते। हमारा चूल्हा बन के तैयार हो चुका है, आप जो देख सकते हो। थैंक यू सो मच चूल्हा बनाने के लिए। गाइस आधा घंटा हो गया खोदते खोदते, एक बार गाइस इसको पसीना कितना भयंकर आ गया, इसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया। सामने ये देसी जुगाड़ चूल्हा देख सकते हो, यहाँ पे साफ सफाई करी मैंने बहुत ज्यादा। सोनिया उधर सामान लेने गई है, बाकी मैं हाथ धो लेता हूँ, मेरे हाथ खराब हो रहे हैं। ये है, ये सब्जियाँ लेकर आए हम लोग, और मैगी के लिए है, और कुछ खाने के लिए भी लेकर आए। सोनिया इधर चाय का जुगाड़ कर रही है अभी फिलहाल, है ना बाबू। तो गाइस सोनिया के अंदर कांटा लग गया इसके हाथ के, दिखा ना, दिखा ना, निकल गई, नहीं निकल अंदर, वो बारीक वाला टूट गया। तो गाइस अभी काटा वगैरह, बाकी मैंने सारा सामान निकाल दिया। ये तीन बोतल है जिसका पूरा दिन भर निकालना है, बाकी सब्जी है, मूंगफली है, उसके अंदर फ्रूट है और केले भी है, और वो क्या है, एप्पल है, बाकी इधर कुछ नमकीन वगैरह है, कुछ ये खाने। तो भाई लोगों मुझे अभी लकड़ियाँ वगैरह लेने जाना है, क्योंकि लकड़ियाँ है नहीं। और सोनिया अपना काटा निकाल दिए, और गाड़ी ये ऐसे खड़ी है, और उसके पीछे सारा सेटअप है पूरा खाने पीने का। सो गाइस चेकआउट दिस यार, सूरज अस्त होने वाला है, मतलब अभी कितनी 4 बजे होगी, है ना, कितना टाइम हो गया उनको, 4:30 भाई, कितने 12 बजे निकले थे अपन, 1 घंटा तो चूल्हे बनाने में हो गया, टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल गया गाइस। कब तक बनाएंगे, बाकी लोकेशन देख सकते हो कितना, अभी यहाँ का नज़ारा जब सूरज अस्त होगा ना देखना आप लोग, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी सोनिया ये बना रही है, मैं लेकर आता हूँ सामान। सोनिया बो रही है वहाँ पर देख रही है, और उसको अब दिखा उसको मैंने जूम करा बहुत दूर से।
वो ले रहा हूँ मैंने। अरे पागल है कि वो ले रहा मैंने, पकड़ जल्दी दूध को ध्यान रख मारा, पीछे कर देना कुछ है किसके, कीड़ी वीड़ी है पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो सोनिया बाबू, देख अल्ले देख पीछे का बैकग्राउंड एक नंबर हो रहा खतरनाक, ऐसे कोई दूध फन रहा चम्मच से, इसके अंदर पत्ती डाल दिए बाबू पहले, पत्ती ज़्यादा मीठी हो जा रही, पत्ती डाल दे के अंदर पहले। सो गाइस चाय भाई, तू चाय का तो जुगाड़ करा मैंने अभी, मैंने तो दोनों ने ठीक है भाई, अभी है ना ये सामान तो लेकर आया, अभी और भी सामान है जो लेकर आना पड़ेगा मुझे, जाके लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ेगी क्योंकि चाय का तो जुगाड़ हो गया, जब तक मूंगफली वगैरह खाता हूँ मैं ठीक है ना। रुमाल दे देते ना छींक दियो गाइस, ये भी लेकर आए हम दो क्योंकि चाय एक बार ही बना के पीनी थी इसलिए। इस चाय बन रही चाय, एक चाय की प्याली हो उसको पिलाने वाली तीन तीन रानी है उधर नीचे क्या कहा है ये बड़ी गाइस, मेरी मूंगफलियाँ गाइस, ये मूंगफलियाँ लेकर आए अभी खाएंगे। जब मैंने इसको तोड़ा था ना दुकान वाले ने तो वीर हंस रहा था अरे गाइस भाई साहब ऐसे पता है क्या सीन हुआ था, जब उसने तोड़ी थी ना बहुत सारी तोड़ के एक साथ डाली थी, फिर उसने वापस मुट्ठा भर के निकाला मेरा मुंह उतर गया 20 रुपए की इतनी सीधी यार उसने धामा भर के चढ़ाया, ये खुश हो गया सर, क्या खुश हो गया धामा भर के चढ़ाया सर जी, खुश हो गया उस टाइम को चाय छन रही चाय, सोनिया चाय ठान रही चाय गाइस, चाय हमारी चाय बाबू ज्यादा है वाह ठीक है मुंह पी लेगा वाह, मैंने पिला देने गाइस, ये मुंह पिला डाल दिया सोनिया सर, कितनी आ सकती है बाबू उसमें, आ तो सारी जाएगी, खाओगे कितनी ये बताओ, अभी तो इतनी निकाल दो बहुत है, चाय के साथ नहीं पीऊंगा मैं, पिएगा और क्या, पिएगा खाएगा या पिएगा, खाऊंगा पिऊंगा तो फिर जंगल की मूंगफलियां और चाय, जंगल के चूल्हे से बनी हुई अपनी रानी इधर ये रही बाबू, आराम से बैठ जी नीचे कुछ बोल रही हूँ, हाँ चुप क्यों की ध्यान रख जी तो क्या बोल रही है, ऐसे बैठ गई पीछे से आगे कोई निकाल के ले गया तो अल्लाह रख लेना साइड में, माता मातरमा अटक दमर करने रहा नहीं जाता चाय पीने से, कैसी लगी इधर देख के बताना, चूल्हे की चाय का स्वाद ही कुछ अलग है, सर्दी के अंदर बहुत मस्त लगती है, और साथ में क्या खा रही है मूंगफली देखा ना गाइस, मूंगफली भी खा रही है ये देखो, खाना स्टार्ट कर दी, बाकी बहुत ही मजा आ रहा है यार ऐसे एंजॉय में, मतलब और भी मतलब बोर होने वाले थे, हमने सोचा यार दो जने हैं कैसा निकलेगा, तो फिर हमें अब पता चला कि दो जने भी ना मतलब बहुत अच्छे से स्ट्रगल कर लेते जंगल में, अच्छा हां सच्ची में जैसे कि आप और मैं बट ये जगह अच्छी है, तो केटीएम को बहुत ऊपर चढ़ाई गई आप लोगों ने देखा ही है कितनी ऊपर वैसा मेरा जीव ऊपर आ गया, इतनी मिट्टू टाइप पीछे में क्यों बह रहा है भाई, हमारी गाड़ी ऐसी तैसी होगी आज कोई ना आप लोगों के लिए कुछ भी है ना सोनिया बाकी इंजॉय हम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, आप देखने में मजा आ रहा होगा भाई, खाने पीने में हम मेहनत भी तो कर रहे हैं ना यार, हमारी मेहनत भी तो देखो ना, ऐसे मत सोचना यार वीर भैया आप इंजॉय कर रहे हो बेटे, मजा तो आपको आ रहा है ऐसे मत बोलना, बाकी देखने में मजा आप लोगों को आ रहा है, मेहनत कितनी कर रहे हैं हम, जंगल में आए इतना दूर आए और लकड़ियाँ ढूंढ के चूल्हा बनाया, अभी चाय और बची है मैं पीऊंगा सारी फिलहाल पी लेते हैं, टाइम क्या हुआ 5:30, तू क्या खा रही है कुरकुरे भूख लग रही है यार जोर से लग रही है, मैगी कब बनाएगी कुरकुरे खा लो। सो गाइस फिलहाल अभी है ना फोन चला रहे थे और सोनिया ने बर्तन वगैरह धोए चाय के, तो आधा घंटा हो चुका है हमको मतलब चाय पी हुए, तो अभी भूख लग रही है, हम सोच रहे 2 मैगी के पैकेट अभी बना लेते हैं, 2 बाद में बना लेंगे 1 घंटे बाद में, क्योंकि मैगी से जल्दी भूख लगती है आप लोगों को पता ही है, सो जब तक वेट करते हैं। भाई लोगों हमको तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को लोग देख के मजा आ रहा नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताना ठीक है ना, और नेक्स्ट ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना ठीक है ना, चेक आउट दिस मौसम यार, मतलब आप लोग देखो इतना मस्त मौसम हो गया, मतलब क्या होता हम लोगों आप खुद देखो यार चारों तरफ, बाकी बहुत ही मजा आ रहा है गाइस, आप लोग देखो यार पीछे कितना, बाकी यार दिल भर गया आज तो मजा आ गया, तेरे को मजा आ रहा है तेरे को मजा आ रहा है, लग रहा है मैं तो रील्स बनाई है कितने मस्त, अच्छा मेरी नहीं बनाएगी क्या, ओले बनाऊंगा फोन, बाकी गाइस यार चेक आउट दिस यार मौसम, ऐसे मौसम के लिए लोग मरते हैं, 14 प्रो मैक्स है भूल गया, हैसियत है 14 प्रो मैक्स की, मेरी रील्स बना के गाइस, अभी अभी मैगी वैगी बनेगी सब कुछ बनेगी, बाकी मौसम देख सकते हो, मौसम यार को रील्स होनी है पूरा, नहीं नहीं प्लीज मेरे को ठंड लगी मार ले लीजिए ना बाबू यार, थाली तो
थाली तो जान आजी रहा है मेरी जान, बस काफी है गाइस। मैं बोल रहा हूँ सोनिया के लिए जान आजी रहा है, मैंने लकड़ी लगा लो फिर उसके बाद जान देना। बाकी यार मौसम देख सकते हो मजा आ रहा है गाइस, गाइस तो दो ही अब गाइस अभी ना थोड़ा देख सकते हो चिड़िया जा रही है कितनी प्यारी लग रही है। मेरी चिड़िया तो ये बैठी है यहाँ पे, क्या कर रही है? भूख लग रही है, बना लेना कुछ। आपने कहा रुक के बनाएंगे, बना ले कुछ है, बोल दिया ना। मैगी बना जल्दी स्टार्ट, सामान वामान काट पहले। वो तो काट है, क्या काट बाबू? ये तो काटी नहीं, फल फ्रूट तो काट, इसमें डाल, इसको पूछ के इसमें डाल, मैं खाऊंगा फिर। हाँ कैंपिंग करना ही दे सकते तेरी मैं क्या क्या हुआ? गाली होकने वाले थे। नहीं नहीं बाबू, इस गाइस इसको सर्दी लग रही है, ये आ तो गई बेचारी। मैंने सोचा था कि वापस दोपहर तक ही चल जाएंगे बाबू, मैं लकड़ी के लिए और जा। हाँ लकड़ी चाहिए गाइस, अपने पास है नहीं, अब लकड़ियाँ लेना पड़ेगा। ये दुबी हुए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं जाता हूँ लकड़ियाँ लेने जाता हूँ, है ना? जाओ फिर, आप जाके आओ फिर मैं आपको फ्रूट काट के दूंगी। ठीक है, इतना बुरा अन्याय मत करो भगवान, लकड़ियाँ ला के दो और फिर मेरे को फ्रूट काट के देगी मैडम। गाइस है तोबा 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 तोबा, इतना बुरा। गाइस मैं लेके आता हूँ जाके और भी लकड़ियाँ, फिर फ्रूट काट दीजिए मैडम, फिर खाऊंगा, फिर उसके बाद। वही वाला मौसम, प्यारा सा मौसम। ये काट रही है, क्या काट रही है बाबू? देख सकते हो ये काट रही है, प्याज मिर्ची लहसुन पुदीना, एम है धनिया, एम है मसाला दानी, एम है पुदीना। मैं तुम्हारी बातों को हंस रही हूँ। एम है मसाला दानी, एम है धनिया, एम है पुदीना। काय हो गयो? काम वाली भाई काम कर लेना, दू की लटकी माता में एक चक्कू लगाऊंगी खींच के। ये देख रही है ना, ये गरम गरम चिपका दूंगा तेरे मुंह पे, जल्दी सब क्या सब प्याज मिर्ची धनिया पुदीना लहसुन सब कट जाना चाहिए, एक एक चीजें। भाई सोनिया कितनी दूर है मेरे से? सोनिया आवाज आ रही है? बाकी मौसम देख सकते हो, और अपनी रानी कितनी ऊपर लग रही है, बहुत ज्यादा ऊपर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा है व्लॉग के अंदर, बेटा बड़े हरामी हो रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, व्लॉग देख के जा रहे हो। और मुझे बना लिया, मैं लकड़ियाँ ढूंढने जा रहा हूँ, यहाँ पे लकड़ा मिल जाए बाकी मैं क्योंकि बनाएगी फ्रूट काट के देगी। ये क्या चीज़ है आप लोग जानते हो? ये है गाय का गोबर, भैंस का गोबर, पता नहीं किस किस का गोबर है। बाकी मतलब वो आपको पता है घास फूस खाती है, तो घास फूस मतलब सूखने के बाद वो मतलब काम आ जाती है, बहुत सारे लोग है ना मतलब जलाने के लिए काम में लेते हैं, मतलब चूल्हा हुआ तो इसी को काम में लेते हैं। बाकी मैं यही ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारी मिल गई। सोनिया उधर है, बहुत दूर मेरे से दिख नहीं रही है, बाकी ये ढूंढ लेता हूँ मैं। थार जा रही है, थार हमारे सामने से, बाकी सोनिया उधर बैठी है, किधर है वो रही, बाकी थार जा रही है इधर, बहुत एक उधर भी आ रही है और जैसे भी इसको दे देता हूँ मैं। मेरे हाथ में पता नहीं आज इतने कांटे के चुभ रहे हैं। हां कांटे कांटे चुभ गए मुझे, क्या पता। और लेकर आ रहा हूँ मैं। ये थार खड़ी हो गई देख सकते हो, आई थिंक ये नीचे जा नहीं पा रही क्योंकि नीचे खड्डा है ना इसलिए। ओके आ जाओ, वहां क्या कर रहे हो? मैं थार वाले को देख रहा हूं, वो निकल गई थे नहीं, इतने सारे लिखा गया हो जाएगा इससे काम। हां हो जाएगा, अभी तो रखो, नीड होगी तो और मंगा लेंगे, वो तो हो जाएगा इससे काम यार। ठीक है चलो, ये हो गया मैगी का मसाला तैयार। सोनिया के पता नहीं कट्टा वापस घुस गया, क्या घुस गया? कांटा घुस गया यार, कांटा ये हो रहे ना देखो ये सुबह वे। गाइस अंधेरा भी होने वाला है, 5 बज रही है, हम आ रहे थे 12 बजे से, 12 बजे निकले थे। तो गाइस अभी ना मुझे वो जलाना है चूल्हा, तो वीर अभी गए हैं लेने के लिए, वो थोड़ी घास फूस है ना, तो गाइस उनको मेरे तो हैं थोड़े बहुत लेके आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, सर्दी लग रही है मेरे को, आग जला के बैठेंगे यार, आग जला के बैठेंगे, थोड़े कांटे भी ले आओ ना। सो आ चुका है वीर सम्राट, लाओ तो नहीं नहीं आप ही रखो वहां पे ले जाके, पूरा जस्ट होने वाला है और खाना बन रहा है मेरे लिए। सोनिया मैगी बना रही है देख सकते हो आप लोग, ये वो, और अब आग लगाएंगे, फुल आग लगा के बैठ जाएंगे, है ना बाबू? बाकी इसको सर्दी लग रही है तो इसने बोला आग लगाएंगे, और आप लोगों को मजा आएगा, और आप लोग प्यार कर रहे हो इतना सारा तो क्या दिक्कत है फिर, आप लोगों के लिए व्लॉग आते रहेंगे डेली, काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, ठीक है ना। चेक आउट दिस, धुआं निकल रहा है खाने के साथ, सोनिया का मुंह भी जल रहा है। देखो सारा धुआं इसकी तरफ चल गया,
बाकी बहुत ही मजा आ रहा है, सूरज अस्त होने वाला है। बाकी लोकेशन देख सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, बहुत सारे लोगों को पुष्कर में पता भी नहीं होगा हम कौन सी जगह पे लोकेशन पे, ये वाली लोकेशन किसी को पता नहीं है। लोग सोचेंगे यार ये वीर गया कहाँ पे, वो उस वाली लोकेशन पे जाना है, बट ये लोकेशन किसी को भी पता नहीं है। हमने KTM को कितनी मुसीबत से चढ़े आप लोगों ने देखा ही है। बाकी देख सकते हो मौसम, मजा आ गया अस्त जानू, मजा आया ना, मजा आया नहीं, इसको देखो धुआं धुआं घुस गया मैगी बनाते हुए देखो। बाकी यार इसी जगह में इंजॉय करने का बहुत ही मजा आता है ना सोनिया, धुआं निकल गया इसके मुंह से। ओ शिट, क्या हो गया? मैंने डाले जानबूझकर बहुत सारे इसके अंदर गाइस, छाने डाल दिए। मरने की कौन कह रहा, मेरी जान अभी तो जीना है, अभी तो साथ में जीना है, बहुत सारी इंजॉय करनी है, लोगों की जलानी है। हाँ यार कोई, बाकी देख सकते हो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। गाइस ढोल बज रहा है, ढोल आवाज आ रही है, मैं आ रही ढोल की। काउंट दिस, मैगी बन चुकी है हमारी, और बाकी लोकेशन देख सकते हो पीछे, सूरज भी अस्त होने वाला है, और ये खा पी के और थोड़ा सा टाइम पास करके फिर निकलेंगे हम भी यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा होने वाला, तो आप लोगों को पता है अंधेरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है यहाँ पे गाड़ी निकालने में, और हमारे पास कुछ है भी नहीं, सर्दी वगैरह लगेगी उसकी वजह से। मेरे पास जैकेट है बट इसको दे दूंगा मैं, बट गाड़ी निकालना मुश्किल होगी, तो टाइम पर निकलना पड़ेगा मैगी वगैरह खा के। बन चुकी है और ये आग लगा दी, थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि टाइम पर गाड़ी भी निकालनी है। सूरज बिल्कुल अस्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, बस वो थोड़ा मतलब लाल लाल होता ना सूरज के बाद में, अस्त होने के बाद वो ऐसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो पीछे। बाकी बहुत ही मजा है हम लोगों को, मैगी बन चुकी है, हम मैगी खाएंगे। अला मुझे भी जिम जाना है आज, चेस्ट वगैरह लगानी है, सो यहाँ से जल्दी से फ्री होते हैं मैगी वगैरह खा के। बाकी बना चुके हैं देखो सोनिया ये रही यहाँ पे, बाकी बहुत ही मजा आया, मैगी बन चुकी है ना सोनिया, मजा आया ना। हाँ, आग लग रही है, और सोनिया इधर देखो इसको सर्दी लगने लग गई, पहले बोला मैं तो लेके आ जा, मुझे सपना आ रहा था ना। बाकी ये खाना स्टार्ट हो गई, खाऊंगी। हाँ, तेरी तो मजा आया नहीं है, पहले बता कैंपिंग आज मजा आया नहीं है? बहुत मजा आया, इंजॉय करने मानो तो रोज आओ। अच्छा, अब ऑडियंस कमेंट करेगी ना जब भी चलेंगे, आप लोग कमेंट करोगे ये बताओगे कि हमें आप लोगों को ये व्लॉग ज्यादा बेटर लग रहे, तो हम लोग फिर रोज का यही करेंगे। सो गाइस फिलहाल अभी मैं मैगी खा लेता हूँ, वरना मेरे बचेगी नहीं। सो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ से निकलेंगे जब फाइनली मैगी वगैरह खा ली, अब सामान पैक करेंगे, अंधेरा हो चुका है देख तो। मैंने खाई क्या? खा लेना जल्दी, भगोने फटाफट खा ले, अंदर हो जाए इस आँख को भी बुझा कर चलेंगे। बाकी गाइस बहुत ही मजा आया, और बहुत देर हो गई इस मोटी को खाई जा रही, अंधेरा हो गया, बेबी इतनी मुश्किल से तो मोटी हो रही हूं। मैं फोन की टॉर्च ऑन करी है, बाकी आप देख सकते हो इधर तो अंधेरा हो चुका है पूरा। देखो ये तो आईफोन है 14 प्रो मैक्स है, इसमें थोड़ी क्लियरिटी दिखती है अच्छी, अंधेरा होने की बात भी थोड़ा सा दिखता है। बाकी मैं सोच रहा हूँ जल्दी से फ्री हो जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे काटे काटे है, और मेरे पैर में घुस गए ना, हालत खराब हो जाएगी, और अभी KTM को निकालना मुश्किल है, मेरे को लग रहा है पंचर वंचर नहीं हो जाए, क्योंकि मैं रास्ता देखने गया था, अंधेरा हो चुका है आप लोग देख सकते हो। सामान वामान पैक कर लिया बाबू? हाँ सामान पैक कर लिया ना, सारा पैक कर लिया। इसको भी डालना है, अभी भूल गई तू, इस कवर को भी तो डालना ना, कवर को डालना है सारा, और मेरा जैकेट पहनना, मेरे को सर्दी लग रही है, ठीक है ना। अरे पहन ले बाबू, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सर्दी पहन, जैकेट पहन ले मेरे, बस पैसे मत गिराइयो, और इसको झटकाना पूरा, ठीक है ना, इसके अंदर मिट्टी विट्टी नहीं देख लेना ना। फोन भी है क्या? वन प्लस वाला रुमाल भी है क्या? सब मेरी है क्या? तो तुम्हारा क्या है? सही बात है, अच्छे से झटकाना ना बाबा, बट देख लें, बट देख लें, अब इन डाल फटाफट, निकला अंदर हो जाए, पूरा घाट अंदर हो चुकी है, गाड़ी निकालना मुश्किल है गाइस। अभी ऐसा सीन हो गया कि मतलब गाड़ी निकालना मुश्किल है अभी, अब गाड़ी कैसे निकालेंगे अभी तो पता नहीं, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है बहुत ज़्यादा, और काटे काटे इतने भयंकर। बैग हो चुका है, छोटे से बैग में बहुत सारा सामान लेके आए थे, सो निकल गया, चले ले फोन, व्लॉग तो बनाते रहिए ना। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, रुको 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 रुको, हाँ गाइस ये ढलान है, गिर मत जाइयो, आगे आगे, हाँ अरे ना, गई गई गई, अभी तो गिर जाता है यार,
मैं जा रही हूँ, पापा आ जाओ। नहीं, फाइनली हमारी गाड़ी निकल चुकी है और सांस फूल गई बहुत ज्यादा भीड़ की भी और मेरी, क्योंकि आधी दूर फ्री घूम रहा था पैर रेत में, और अभी हमने धक्का लगाया दोनों ने, चारों तो अंदर हो चुका भयंकर वाला। सुबह से निकलते हैं और बाहर ही मिलेंगे अब सीधा सीधा। अच्छा गाइस, यार बहुत मुश्किल से गाड़ी को निकाली, अभी भी बहुत सारी मिट्टी है, बट फिर भी कैसे कैसे निकाल रहे हैं गाड़ी को। बस हालत देख सकते हो, बहुत मुश्किल से गाड़ी निकाली और फाइनली पहुंच गए यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 8 बज रही है अभी, मुझे जिम भी जाना, लेट हो जाऊंगा मैं। सो आई होप कि व्लॉग अच्छा लगा, और ऐसे व्लॉग चाहिए तो कमेंट करना प्यारा सा, और वीडियो पे 15,000 लाइक चाहिए मुझे, ठीक है ना। वीडियो को दबा के शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, इसको भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।